Good morning, children. Today, we will be doing the friction part 3. There are some important questions in this uh, topic which I'm going to cover. And this is the special cases of the frictions, right? Find the conditions that two boxes move together when one box is kept over the other. Okay. What I'm going to do is I'm going to place one box on the other, like you have got. There is a box number one and there is a box number two, which are placed one above the other. Now, the condition which I am going to consider now is there is the box one. Box one, I am considering the lower box, and there is another box which is on the top of it, right? When the two boxes are kept one above the other, and I am going to apply a force on this. Lower box, and I want that the two boxes should be moving together. Right now, the condition is there is no friction between the ground and the lower box, and that the uh, surface between the two boxes on the top that is m2 and m1 there is a friction and this coefficient of friction that is equal to mu, uh, mu in the limiting conditions right now i want that uh, the both boxes should move together that means the acceleration of the block one and the acceleration of the block two that should be the same what i'm going to do now is i'm going to consider the box Number one. Now, if I consider this box number one, this box number one is having a weight and that will be acting in the downward direction, right? Now, there is no friction out here. And there is no friction out here. There is a force which is acting in the forward direction. This is the force which is applied, right? Now, this is going to pull the system together in the forward direction. लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दोनों बॉक्स के ऊपर लगेगा इधर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो पहले वाले बॉक्स पर लगेगा ये पीछे की ओर लगेगा ठीक है ओके अब यहां वेट नीचे लग रहा है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा तो चलो लिखते हैं कि इस पर एक्सेलरेशन हुआ ना एक्सेलरेशन कितना है तो बोले ए राइट तो आप देखेंगे कि इस एक्सेलरेशन की वजह से जो ब्लॉक आगे जा रहा है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है तो हमने इसी बॉक्स के नीचे जो ब्लॉक नंबर वन है उसका जो फोर्स का इक्वेशन मैं लिख देती हूं है ना? तो चलिए लिखते हैं फोर्स का इक्वेशन फोर्स सामने जो खींच रहा है बाहर तो ये ज्यादा है फोर्स अप्लाइड को एफ लिखा हमने और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ आर लिख देते हूँ ज्यादा समझ में आएगा सो तो एफ आर जो दोनों को माइनस करें बिकॉज दोनों एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं दोनों एक ही समय पर एक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं एफ अप्लाइड ज्यादा है एफ, है, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है है ना सेंस की बात होती है कि एफ माइनस एफ आर विल बीडरेशन पर बना लो ठीक है अब आइए पर तो ब्लॉक नंबर टू है ना बेटा आपके पास इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है अप्लाइड फोर्स नीचे की ओर लग रहा है है ना नीचे वाले बॉक्स पे लग रहा है तो ऊपर वाले फोर्स में एक सीडो फोर्स लगेगा है ना और वो सीडो फोर्स किसकी वजह से बनेगा भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही इसको आगे की ओर लेके जाएगा और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इधर इन दोनों के बीच में लगा वही इधर लगेगा ले लेकिन इस बॉक्स में सामने की ओर लग रहा है क्यों बॉक्स पीछे की ओर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये सामने जा रहा है तो ये पीछे जाने की कोशिश करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है भैया जिस डायरेक्शन पे बॉडी या तो मूव हो रही है या तो टेंड हो रही है मूव के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा तो बॉडी को छोड़ दिया जाए तो ये तो इधर जाएगा क्योंकि ये सामने जा रहा है तो ये तो पीछे जाएगा अगर फ्रिक्शन ला रहा हो फ्रिक्शन है तो संगसंग मूव हो रहा है तो तो ये सामने जा रहा है तो फोर्स ऑफ़ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? यही फोर्स है जो सामने रहा है तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगी तो मैं बोलूंगी तो तो जो एम टू इंटू ए क्योंकि अच्छा इस पर और भी तो कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे क्या क्या लग रहे हैं जरा देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ एम टू जी जो लगेगा वो नीचे लगेगा और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2. अरे, हम तो अब निकाल सकते क्योंकि हमें हमारे पास एन टू है तो ये है इधर ही इस सर्फस के लिए निकाल रहे है तो इस सर्फस पे नॉर्मल रिएक्शन एम टू जी ही है, है ना तो एम टू इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई दी मेरी एम टू इन टू ए लीजिए m2 m2 काट दीजिएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई आपको दैट इज म्यू जी अब हम इस इक्वेशन वन में डालेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने कितना निकाला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपने निकाला है दिस m2g सो fr दैट इज इक्वल टू म्यू m2 g लगा दीजिएगा इसका वैल्यू आपने आपने में क्या रखा है ए की वैल्यू निकाल रखी है सो so, हमें चाहिए म्यू एम टू जी प्लस ऑलरेडी वहां पर एम वन है आपने ए की वैल्यू लगा दी दट इज इक्वल टू म्यू जी लीजिए म्यू और जी दोनों कॉमन ब्रैकेट के अंदर आपके पास बना है एफ वन एंड एफ टू राइट सो कम से कम मैक् uh, कम से कम नहीं मैक्सिमम फोर्स विच द बोथ बॉडीज कैन बी पुल टुगेदर दोनों एक साथ मूव करेंगे वो ये है अगर आपने अप्लाइड फोर्स को इस पर्टिकुलर फोर्स से ज्यादा लगाया तो क्या होगा सामने वाली बॉडी तो कुछ देर तक सामने चले जाएगी और ये क्या करेगा ये पीछे की ओर मूव करने लगेगा और ये पीछे की ओर मूव करेगा और कहीं जाकर के गिर जाएगा ठीक है हमें नहीं चाहिए हमें संग संग चाहिए तो यही है हमारा मैक्सिमम फोर्स विथ विच बोथ बॉक्स कैन बी पुल्ड टू कैदर दोनों बॉक्सेस को हम संग संग पुल कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम अगला केस देखते हैं इस अगले केस में क्या है बच्चों कि हमारे पास नीचे अभी देखो यहां पर नीचे फ्रिक्शन नहीं था अगर ऐसा होता है क्या एक्चुअल कंडीशन में तो नीचे के ग्राउंड के लेवल पर भी दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है अब अगर फोर्स हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ तो तब उस कंडीशन पर दोनों बॉक्सेस संग संग मूव होंगे उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होगा अब भी हमारा जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो नीचे के बॉक्स पे ही लगे लेकिन बेटा यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन है एन दोनों सर्फस के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू है मास एम वन है इसका का मास एम टू है तो चलिए हम लोग फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हर बॉक्स पर अलग अलग मैंने नीचे वाला बॉक्स को एम माना यहां रखा ठीक है इस पर एक अप्लाइड फोर्स लगा इसका m1 g नीचे लगा तो अप्लाइड फोर्स के साथ-साथ बॉडी अगर एस डायरेक्शन पे मूव करती है इसका मूवमेंट अगर एस डायरेक्शन पे होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन यहां लगेगा लेकिन उतना सिर्फ फ्री होगा देखो ये ब्लॉक्स यहां पर रखा हुआ है ना यहां पर एक और फोर्स भी लग जाएगा दैट इज f2 है ना

सामने जा रहा है सामने जा रहा है तो बट नेचुरल फोर्स अप्लाइड ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से तो F माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे एफ आर वन प्लस एफ आर टू है ना ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहे हैं अब सवाल ये उठता है कि एफ आर वन कितना आएगा और एफ आर टू कितना आएगा तो हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है ठीक है उसके लिए मैं क्या करती हूँ ये जो सेकेंड ब्लॉक है ना जो छोटा वाला

कुल मिला के सामने जा रहा है नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा करके तो नीचे वाला जो ब्लॉक है वो इस तरफ जा रहा था तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ ठीक है अब सेकेंड ब्लॉक की बात करूं तो ये टेंड टू मूव किस डायरेक्शन पे करेगा दिस विल टेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन तो जिसके चलते हम देखेंगे कि भैया ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन पे लगेगा तो और ये कुल मिला के एक्सलोरेट तो हो ही रहा है तो इकलौता फोर्स जो इसको सामने मूव कर रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू दैट इज इक्वल टू अब हमारा काम क्या होता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन टू को निकाल लेते हैं तो चलिए हम इसको कंसिडर करेंगे जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना होता है ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी पर कितनी लग रही है मल्टीप्लाइड चलिए बॉडी वन पर जाते हैं इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या क्या लगा एक तो इस सरफेस पर की बात करूंगी तो एक जो लगेगा वो आ, किस बॉडी पर कर रही हूं मैं ये वाला नीचे नीचे वाले पोर्शन पर ना तो देखो इस पर एम वन जी भी लग रहा है और एम टू जी रखा ही है ना तो इसके ऊपर ये दोनों आ जाएगा एन वन और N2. तो N1 जो बना है है ना उसकी वजह से और उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक मिनट रखा हुआ है तो एन वन जो रहेगा इधर ज्यादा समझ में आएगा आपको यहां से लेकर यहां तक तो इधर ना दिखा करके दिखा रही हूं आपको ये जो एन वन है आपकी यहां लगेगी क्योंकि ये बॉक्स भी रखा है ये बॉक्स भी रखा है एन वन एन टू म्यू लगेगा और यहाँ पर म्यू वन लगा एन वन कितना प्लस एम टू एन टू जी मल्टीप्लाइड बाई म्यू वन है ना तो आपने म्यू वन लिखा लिया एम वन एम टू एंड एफ आर टू कितना होता है एफ आर टू जो सिर्फ इधर लगा तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दैट इज मान लेती हूं और एन टू कितना होगा दैट इज इक्वल टू दू इल्टीप्लाइड बाई म्यू टू अब रेस्पेक्टिव जगह पर लगाएंगे बच्चों इधर क्या लगाना है मुझे म्यू टू लगानी है एम टू लगानी है जी एम दैट इज इक्वल टू एम टू इन टू ए अब इधर वैल्यू लगानी है एफ आर वन के लिए तो आपने दोनों वैल्यू को लगानी है लेकिन यहाँ पर आपको म्यू वन लगाना है यहाँ पर आपने म्यू टू लगाया सो so, आपका जो हुआ वो कितने के बराबर हुआ दैट इज इक्वल टू म्यू टू मल्टीप्लाइड बाय जी तो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू में लगा दीजिएगा एफ की वैल्यू निकाल लो दिस एज इक्वेशन वन दिस एज इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस एस इक्वेशन नंबर फोर आपको चाहिए F. तो F कितने के बराबर आ, जाएगा F plus plus लगा आ गया आपका आंसर एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह लगाइए नू टू इंटू जी ठीक है अब लगाओ एफ आर वन तो दूसरेप्लाइड बाई म्यू टू सब दस जी कॉमन हो गया एम वन म्यू टू प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू म्यू वन प्लस एम टू इंटू म्यू टू तो आप क्या लिखोगे एफ इज इक्वल टू that इज देखो यहां पर म्यू टू है यहां पर भी म्यू टू है सो इन दोनों में से म्यू टू कॉमन ले लो यहां पर भी आपके पास एम वन एम टू प्लस क्या लिखा जी को कॉमन ले लिया यहाँ रहा एम वन प्लस एम टू और यहां पर रहेगा मल्टीप्लाइड म्यू वन प्लस म्यू टू दिस इज योर आंसर क्लियर ओके अब आते बच्चों अगर आपके पास फोर्स जो लग रहा है और वो फोर्स अगर अपर ब्लॉक पर लग रहा हो जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया वो फोर्स अप्लाइड अगर यहां लगे और अभी दोनों ब्लॉक्स को सेम इसमें जाना है विद सेम एक्सेलरेशन बिना अलग हुए जाना है फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक एंड ब्लॉक्स आर मूविंग टू गैदर देन फाइंड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स ऑन अपर ब्लॉक ठीक है हमने फोर्स लगाई हम फिर से मान देते हैं ये एम वन है इसका मास है एम टू दोनों संग संग चल रहे हैं एक्सेलरेशन ए के साथ ठीक है अब हम हाँ ये मान के चलते हैं कि लोअर वाले इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और अपर वाले सरफेस के दोनों के बीच में जो जो ऊपर वाले ब्लॉक M1 है उसका ऊपर और जो M2 के नीचे दोनों जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं वहां पर ऑफ़ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू से म्यू टू हम लेते हैं ठीक है यहां पर म्यू वन इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू जीरो अब आइए क्योंकि ब्लॉक नंबर टू यानी एम टू पर अप्लाइड फोर्स लग रहा है ठीक है यहां पर एम टू जी तो लगेगा ही लगेगा एन टू ऊपर लगेगा ही लगेगा दोनों पर ये जो फोर्स है इस तरफ सामने खींच रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन पर लगेगा मैंने इसको एफ आर लग रहा है ठीक है अब बताइए कि ये ब्लॉक जो एम है वो तो मूव हुआ ना तो इसका जो फोर्स लगेगा नेट एम टू और वो कितना होगा आपने जो एफ अप्लाइड को मैं कैपिटल एफ मान रही हूँ और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको नीचे खींचेगा दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिल गया दिस इज इक्वेशन नंबर वन रखा हुआ ब्लॉक पर तो इस पर जो एम वन जी वेट तो लगेगा ही लगेगा लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दोनों की वजह से लगेगा क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर में रखा हुआ है ठीक है लेकिन यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं लेकिन फ्रिक्शन लगेगा कि अगर ये ब्लॉक मूव होगा ना तो कौन सा वाला फ्रिक्शन रहेगा जो इसको सामने की ओर खींचेगा देखो ये बॉडी ऐसे ऊपर जा रही है तो सिडो फोर्स नीचे लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में ऐसे सामने लगेगा तो ये जो इकलौता जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना किस पर इन दोनों सरफेस के बीच पे यू नो या यहां पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी

तो कितने के बराबर होगा दट इज इक्वल टू एम टू इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई दू लगाइए मुझे एक्सेलोरेशन मिल गया सो दट इज एम टू बाई एम वन इंटू म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई जी दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन आई गॉट ठीक है एक्सेलरेशन आ गया तो आपको एफ पी तो निकालते बन जाएगा तो एफ कितने के बराबर होगा एम टू इन टू ए प्लस एफ आर टू एम टू ए कितना है तो बोले एम टू म्यू टू इन जी डिवाइडेड बाय एम वन तो एम वन एम टू का स्क्वायर हो गया बाई एम वन हो गया प्लस एफ आर टू कितना हो गया एफ आर टू तो आपने निकाल रखा है दैट इज इक्वल टू एम टू मल्टीप्लाइड बाई म्यू राइट right. तो आप क्या कर सकते हो यहां से M2 को कॉमन म्यू टू को कॉमन जी को कॉमन आपके पास में रहेगा एक दिस इज आंसर इतना अप्लाइड फोर्स लगोगे तो दोनों साथ साथ जाएगा ठीक है अच्छा अब मानते हैं कि हमारे पास नीचे वाले बॉडी पर भी जो ग्राउंड लेवल है तो जो ग्राउंड है इसके बीच में ये बॉडी है m1 यहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ठीक है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अब बताइए इस पर क्या-क्या फोर्स -क्या लगेगा m1 पर ये है m1g लगेगा लेकिन इस बॉडी पर ये जो बॉडी m2 रखी है ना तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है ना इसका n1 दैट विल बी इक्वल टू m1 m2 g क्योंकि m2 भी इसी के ऊपर डॉटेड लाइंस में मैं शो कर रही हूँ अभी भले उसका फोर्सेस नहीं कर रही हूं लेकिन इसका वेट तो लगेगा ही लगेगा जो इसको नॉर्मल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा अब आते हैं इस पर कितना फोर्स लगता है तो इस पर अभी भी वही है बेटा एक ही फोर्स लगेगा और वो उसको सामने खींचेगा वो रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन-किन के बीच में ये वाले का बोझ का एफ2 एफR2 लगेगा और भाई यहाँ पर भी तो लगेगा तो ये बॉडी अगर इधर मूव होने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि इस नीचे वाले बॉडी पर आप देख रहे हो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन देखो ये वन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा एफ वन आर ठीक है एफ वन आर एफ टू दोनों ने मिल करके इसको सामने की ओर खींचेगा राइट right? तो लिखे इक्वेशन इसका तो इसका जब इक्वेशन लगते हैं तो आप ध्यान रखिएगा बेटा वेट सिर्फ एम वन पर लग रहा है तो एम वन इंटू ए लगेगा एफ आर टू इसको सामने खींच रहा है एफ आर वन इसको पीछे खींच रहा है तो अब आपका काम रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू निकालेंगे है ना और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू किस प्रकार से निकालेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन निकालने के लिए आप लिखोगे म्यू इंटू एन वन कौन सा है है नीचे वाला यानी कितना तो बोले दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है और की बात तो मतलब यहां पर बात करूं तो इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू टू और सिर्फ और सिर्फ एम टू एन टू क्या है जो बॉडी इस पर लग रहा है टू पर लग रहा है इसका वेट है एम टू जी

वो रहेगा मेरा एम टू मल्टीप्लाइड बाई ए दैट इज इक्वल टू एफ अप्लाइड माइनस एफ आर टू तो बेटा आपने लगाया एफ माइनस एफ आर टू एफ आर टू किधर है एफ आर टू कितना आ जाएगा एम टू जी मल्टीप्लाइड बाई मू टू दैट इज इक्वल टू एम टू इन टू ए आपने इस इक्वेशन में एफ आर वन और एफ आर टू को निकाल करके डालेंगे और ए की वैल्यू निकाल करके एम टू फोर्स एक्सटर्नल आ जाएगा क्लियर है? है ना आगे का थोड़ा सा पार्ट है इसको आपको अपने आप करना है और आंसर को लाना है ठीक है तो अभी अपन ने क्या सीखा कि अगर दो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं आपने अपर ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो वो अलग कंडीशन होगा लोअर ब्लॉक पर कंडीशन लगाओगे फोर्स लगाओगे तो जो फोर्स लगती है वो बिल्कुल अलग अलग लगती है और आपको कंडीशन समझनी है ठीक है ओके थैंक यू अब ये वाला समझ गए तुम लोग मुझे पता है अच्छे से समझ गए होंगे गुड बॉय एंड गुड गर्ल ठीक अब है नेक्स्ट फ्रिक्शन टाइप का ही कोर्स है uh, जो सॉरी uh, यहाँ पर काटना श्रीघर ओके okay. hmm. हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है ना अब हमारे पास भी जो अगला वाला क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रक है हुँ? ट्रक हुँ? ट्रक वो भी हमारा ट्रेलर टाइप का ट्रक है जो ट्रेलर होती है ना ऐसे ट्रक्स बनी रहती है यहाँ का ट्रक लगा हुआ है मैंने यहाँ पर उसका व्हील को शो कर दिया अब ये ट्रक चल रही है और इस डायरेक्शन पे चल रही है हमने क्या किया इसके ऊपर एक बॉक्स को रख दिया ठीक ये बॉक्स यहां पर रह गया अब ये ट्रक क्या कर रहा है एक्सलरेट हो रहा है और ट्रक जब एक्सेलरेट होगा तो मुझे बता है बेटा ये ट्रक तो इस डायरेक्शन पे एक्सलरेट हो रहा है शुरू में क्या होगा ट्रक जितने एक्सलोरेशन के साथ जाएगा ये बॉक्स जो रखा हुआ है इस ट्रक के ऊपर उसका मास मान लेते हैं हम लोग एम तो ये भी इसी के साथ साथ क्यों ट्रक जब चल रहा है एक्सलरेशन ए के साथ तो इस पर एक सीडो फोर्स लग रहा है तो हमने क्या बोला जब कोई एक्सिलेटिंग सिस्टम आप कंसिडर करते हो तो जो सुडो फोर्स की डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन पे मानते हैं बोलो हम मानते हैं कि का डायरेक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर लग रहा है ठीक है हम मानते हैं कि इस मास जो वैल्यू है ना इस जो बॉक्स है इसका भैंस है वन के जी और को एक्सेलरेट करते हैं दैट इज इक्वल टू फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से और जो ये सरफेस है ना इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बना है दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स अब आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है इस कंडीशन पर वेदर इट इज ट्रेइंग ऑन द ट्रक और इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉलिंग डाउन ठीक है तो so चलिए निकालते हैं वॉट इज द ब्लॉक ऑफ मस एम दैट इज इक्वल टू वन के जी तो ये सीडो फोर्स है तो so, कितने के बराबर होगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू एंड इज इक्वल टू वन इंटू फाइव तो लग गया फाइव न्यूटन ठीक है ये सिडो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग कंडीशन पे ना लिमिटिंग पे अपने निकाला, so, सो हम FR कहते हैं, इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड नॉर्मल रिएक्शन और यहां, जो, जो नॉर्मल सिर्फ सिर्फ एक के जी का है और मल्टीप्लाइड बाई टेन सो वट इज आंसर दैट इज इक्वल टू आई एम टेकिंग जी एस टेन जस्ट फॉर दैट मीटर्स म्यूज गिवन एस पॉइंट सिक्स एंड आप क्या देख रहे हो हमारे पास दो फोर्स एक, एक है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां बेटा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वो भी हमारा लिमिटिंग कंडीशन वाला वो इज ग्रेटर दैन द फोर्स एफ द बॉक्स इज एट ऑन मान लो कि तुमने एक्सिलेशन को बढ़ाया तो एक्सिलेशन को जब तुम बढ़ाओगे तो क्या पाओगे कि ये ये जो पूरा है ना बेटा, की वजह से इस तरफ मूव करने लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लगेगा दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे और इस पर एक्सलेशन होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना इस केस में हमारे पास ब्लॉक आपका रुका हुआ है yes? क्लियर uh, है यस हां ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वट आई एम हैविंग योर एज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको साथ में करना है चलिए एक सिंपल सा सिचुएशन जैसे हमने पहले बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे वाले कर लिए थे यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमारे पास पुलिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मास M1 और M2 दोनों लगा हुआ है लेकिन पहले हमने देखा था कि जब फ्रिक्शन नहीं होता अब फ्रिक्शन है ठीक है तो अब बताएंगे कि एम टू पर क्या क्या फोर्स लग रहा है और एम वन पर आपको क्या क्या फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है तो चलिए एक एक करके फोर्स निकालिए एम वन जो M1 है ना हमारा इस ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बताइए नीचे टेंशन ऊपर so M1 टू टी माइनस एम वन M1g ठीक है अब M2 पर क्या क्या फोर्स लगा इसे तो बताइए देखिए एम टू जी नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर टेंशन इसे सामने खींच रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है है ना ठीक है तो आप पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो सेकंड बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यू नो दैट इक्वल टू म्यू एन टू एन सो दैट इज म्यू मल्टीप्लाइड बाई एम जी ठीक है और इसका इक्वेशन कैसे लिखे आप नहीं लिखेंगे सामने जा रही है ना पूरा सिस्टम सामने जा रहा है और ये जो एम वन है वो नीचे जा रहा है सो so, सो सिस्टम है सेम so, के साथ अगर नीचे जाए तो व्हाट इज द फोर्स ऑन एम टू तो एम टू मल्टीप्लाई बाई ए टी फोर्स सामने खींच रहा है फोर्स ऑफ रिक्शन उसे पीछे खींच रहा है तो दैट इज इक्वल टू टी माइनस म्यू

पर्टिकुलर सिस्टम पर इंक्लाइन प्लेन है ना इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दैट इज इक्वल टू थीटा देखो बिना फ्रिक्शन के जो कुछ भी लगाना है वो तुमको सबको लगाना आता है तो आप इसको फटाफट फड़ लगाएंगे ये देखिए ये तो जी नीचे जाएगा जिसको हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू m2g sin थीटा दिस विल बी इक्वल टू m2g थीटा ये रहेगा मेरा नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स अब यहां ये जो बॉडी है अगर मैंने माना कि ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन डाउन पे जा रहा है तो ये जो M2 है M1 अगर नीचे गया तो एम टू कहा जाएगा ऊपर या एक फोर्स उसको खींच रहा है दैट इज टेंशन टेंशन अगर इसको सामने खींचेगा तो आप मुझे बताएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब लगेगा नीचे के डायरेक्शन पर राइट right, तो अब लगाएंगे कि M1 पर फोर्स कितना लग रहा है और M2 टू पर फोर्स कितना लग रहा है तो आपके पास M1 को अलग से लेके आइए इस पर जी लगाओ टेंशन ऊपर लगाओ तो इस पर तो वही फोर्स लगेगा टी सॉरी एम वन जी माइनस टी आ जाएगा ना देखिये एम वन जी माइनस टी दट इज इक्वल टू एम वन इंटू ए इसको इक्वेशन क्वेश्चन मानिए अब ये जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है इस पर जो टेंशन फोर्स है वो ऊपर लग रहा है और ये जो एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और आपका एक और फोर्स है बेटा यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों नीचे खींच रहा है और तब ये बॉडी एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज इक्वल टू एम टू इन टू ए दैट इज इक्वल टू टी माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा कौन सा एम तो ये आ गया मेरा M2 तो बेटा यहां पर T आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है दैट इक्वल टू मू इंटू एन एन क्या है एम टू जी कॉस थीटा प्लस एम टू जी

ठीक है वन अप किया है लेकिन ये पूरा का पूरा बिल्कुल इजी बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस फ्रिक्शन पर लॉज ऑफ मोशन पर कर लिए अब हमारा काम रहेगा इसको प्रैक्टिस करके डाउट सेशंस राइट थैंक यू सो मच बच्चो